हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे घरों में जो दूध फट जाता है तो उसका कैसे यूज़ करना है, उसका क्या यूज़ करना है और कितनी आसानी से उसका कितना बढ़िया यूज़ हो जाता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो ये मेरे घर में, ये देखिए, तकरीबन 1 लीटर ये दूध था, ये फट गया किसी कारणवश। तो मैं इसका आज पनीर बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। और जो मार्केट से जो हम पनीर लाते हैं उसमें मिलावट होता है, और ये जो हमारा घर में पनीर बन के तैयार होगा ये बिल्कुल 100% प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जो इसका पानी है उसके भी मैं आपको फ़ायदे बताऊँगी। पहले हम इसका पनीर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आइए जानते हैं कि इसका हम कैसे पनीर बनाएं। अक्सर लोग घरों में इस तरह से दूध फट जाता है तो उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं दूध फट गया इसे फेंक दो, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पनीर कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, हम लोगों के घरों में मिल जाता है, ये कॉटन का डस्टर होता है, और इसके नीचे मैंने एक बॉल लिया है। इस तरह से इसको हम नीचे कर लेंगे और ये मैं अब इसमें डाल दूंगी। ये हमने सारा इसमें डाल दिया। अब इसको इस तरह से हम उठा लेंगे। ये देखिए सारा पानी इसका नीचे आ गया, और इसको जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट हम दबा लेंगे। बहुत ही टाइट तरीके से हमें दबाना है ताकि इसका शेप जो है बहुत अच्छा आ जाए। ये देखिए सर से हम घुमाते हुए इसको दबाते जाएंगे। लगभग हमारा ये पानी सारा हमने निचोड़ लिया अच्छी तरीके से, इसको मैं हटा दूंगी। इसको हम इस तरह से दबा देंगे क्योंकि हमें इसमें शेप देनी है। इस तरह से हम अब इसको मैं टाइटली इसी कपड़े से मैं गिट बांध लूंगी। आप चाहें दूसरे कपड़े से भी इसमें गिट बांध सकते हैं, जितना हो सके इसको टाइट बांधिएगा। हमने बहुत ही इसको टाइट बांध दिया है। इसको मैं अब 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप बिना फ्रिज के भी इसे 2 घंटे के लिए बाहर इसी कपड़े में बंधे हुए छोड़ दें सेट होने के लिए। अब 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने अब इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम खोल के चेक करेंगे कि हमारा पनीर कैसा बना है। आप चाहें तो दूध फटने के तुरंत बाद भी इसे बना सकते हैं, लेकिन दूध फटने के बाद अगर जो हम फटे हुए दूध को ठंडा होने पे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो वो और भी अच्छा पनीर बनता है, क्योंकि और अच्छी तरीके से वो जम जाता है। फिर उसे हम छान के इस कपड़े में बांध के अच्छी तरह से पानी निचोड़ के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा पनीर बनता है। मैंने भी बिल्कुल वही किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इसका गाँट खोलने जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो पनीर है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ कपड़े से। ये देखिए मैं इसे काट के भी दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ये हमारा मार्केट की तरह बना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए मैं पीसेस करके भी दिखाऊंगी आपको तरह से। ये देखिए तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा पनीर बनके तैयार है,
जो कि होममेड पनीर है, बहुत ही आसानी से बन गया है, बहुत ही पौष्टिक है। अब इसके खाने के क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इसके खाने के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहले इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन वन, विटामिन टू और विटामिन 12 पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जो विटामिन 12 है, उसके सेवन से हमारे चेहरे पे एक चमक आती है, चेहरा जो है हमारा हेल्दी बनता है, हेल्दी स्किन बनता है। तो इसका सेवन आप ज़रूर करें किसी ना किसी रूप में। आप चाहे तो इसकी सब्ज़ी बनाएं, चाहे इसका पराठा बनाएं, कुछ भी बना के, या आप इसे कच्चे भी खा सकते हैं। ये कच्चा भी बहुत पौष्टिक होता है, ये एक बहुत ही उत्तम आहार है। अब मैं आपको इसका जो पानी बचा हुआ था उसके फ़ायदे भी बताने जा रही हूँ। इस बचे हुए पनीर के पानी को आप ना वेस्ट करें, फेंके नहीं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ही कम लोगों को पता है। अक्सर लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम आटा गूंथ सकते हैं, इसको हम सब्जी में तरी या ग्रेवी के रूप में डाल सकते हैं, इसका हम सूप तैयार कर सकते हैं, इससे हम उपमा बना सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हम लस्सी भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम दही डाल के और इसको हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा लस्सी भी तैयार हो जाता है। तो इसके पानी का भी बहुत यूज़ है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको फटे हुए दूध से पनीर बनाना और उसके पानी के फ़ायदे दोनों आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।